आप देख रहे हैं इस फैरो यानी कि गौरैया। जैसा कि इंसानों की बढ़ती सुविधाओं के बीच आज इस फैरो यानी कि गौरैया गायब होती जा रही हैं। जैसा आप जानते हैं कि ऊंचे महलों को छोड़ करके ये घास फूस या कच्चे मकानों में अपना निवास स्थान बनाती थी, और पहले के ज़माने के ये बने हुए मकान इनके लिए बहुत ही सुविधाजनक हुआ करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये एक जगह से उड़कर दूसरे जगह और इसी में अपना निवास स्थान बनाकर रहा करती थी। लेकिन आज ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती जा रही हैं और इनका निवास स्थान गायब होता जा रहा है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं ये किस तरह से खेल रही और दौड़ रही हैं। लेकिन ये जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे, इस फैरो अर्थात गौरैया है ना। ये बस टूटे फूटे मकानों और उजड़े हुए बस्तियों में ही रहा करती थी। लेकिन जैसे जैसे विकासशील और विकासिता की ओर लोग बढ़ रहे हैं और बड़े बड़े महल बिल्डिंगें बन रही हैं, इनका निवास स्थान ख़त्म होता जा रहा है। एक नज़र आप यहाँ भी डाल सकते हैं, ये छोटे छोटे मकानों में, छोटे छोटे निवास स्थानों पर यानी कि झुंडियों झोपड़ियों में ही इनका निवास स्थान हुआ करता था। और आप सभी जानते हैं कि आजकल इन प्राकृतिक जंतुओं का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है ना। आज से 500 साल पहले बने हुए ये मकान जहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनका बहुत ही अच्छा निवास स्थान हुआ करता था। और आप इसमें देख भी पा रहे होंगे कि बहुत सारे